नमस्कार, कैसे हो आप सब? सुमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से। जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है, भगवान उसकी आंखों की रोशनी बढ़ाएं और जो कमेंट करता है उसकी उंगलियों में ताकत दें। भगवान से ही दुआ करती हूँ। और बताना आप लोग कैसे हो? आज तो देखिए शीतला सप्तमी है, तो हम व्रत हैं इस टाइम। आज अब रात को जो खाना होगा खाएंगे, अभी तो कुछ नहीं खाएंगे, फिलहाल चाय पीकर ही बिताएंगे। तो देखिए हमारे बच्चे क्या करने लगे। अरे रुको, बच्चे मारपीट करने लगे, देखो रुको, एक मिनट, झगड़ा करने लगे। भगवान क्या करने लगते हैं, परेशान हो जाती हूँ, सच में मैं तंग हो जाती हूँ। नहीं बेटा, हाँ हाँ हाँ, मारपीट नहीं करते, बच्चे आपस में सब मारपीट करने लगे। देखिए साइकिल भी गिरा के भाग गया, मारपीट करने लगी। अरे ये मारपीट भयंकर होने लगी, बहुत ज्यादा मारेंगे, सो रहे हैं पापा मारेंगे, तुम लोग ऐसे मत करो। अरे आपस में इतना ज्यादा मारपीट, अच्छा छोड़ दो, अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, प्लीज छोड़ दो, ऐसे मत करो। श्रेया क्यों मारपीट कर रही थी बेटा? कैसे लग गया तुमको? और ये कि बच्चे कितना मारपीट किए और अथर के मसूड़े में चोट भी लग गई, ब्लड भी आ गया उसको। बस अचानक मारपीट करने लगते हैं लोग, थोड़ी थोड़ी सी बात में, सच में आपस में एक मिनट के अंदर इतना ज़्यादा मारपीट करेंगे और रह भी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। ये लोग बच्चे इतने शरारती हैं, तो कोई कहेगा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, दो दिन में कोई कहेगा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, और मारपीट खूब कर लेंगे, बस आधे घंटे बाद पक्का मित्र बन जाएंगे। बस एक इन लोगों का 5 मिनट का झगड़ा रहता है, अगर इसके बीच में माँ बाप सच में अगर झगड़ा करें, लड़ाई करें, तो फिर मतलब माँ बाप से और पड़ोसी में दुश्मनी हो जाएगी, बच्चे फिर एक हो जाएंगे। तो सब पड़ोसियों को सचेत कर रही हूँ कि ऐसी गलती ना करें। बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, मारपीट करते हैं, बस ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके लिए मारपीट मतलब कर रहे हैं तो ये ना करिए कि चलिए हम मतलब हमारे बच्चे को क्यों लगा, कैसे लगा, हम उनके मम्मी से झगड़ा करने लगे, उनके पापा से झगड़ा करने लगे, इसमें हम लोगों में दुश्मनी हो जाएगी और बच्चे फिर एक हो जाएंगे। तो अपने बच्चों पर बस ध्यान दीजिए। और बच्चे करते हैं, बच्चों की आदत होती है, खेलते हैं आपस में, मारपीट करते हैं, फिर एक होते हैं। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी ऐसा किया करते थे। तो इस बीच में बड़ों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। और हमारा बेटा तो बहुत शरारती है, मारपीट करेगा 2 मिनट में फिर एक हो जाएगा, और पढ़ने के नाम पर बस पढ़ेगा नहीं। पढ़ने को बोलो तो कहेगा पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी कहो मतलब पढ़ता नहीं है, सुन भी रहा है, हंस रहा है और कह रहा है मुझे मत दिखाना। तो इसके पापा कल होमवर्क दे दिए थे इसको, मैथ में दिए थे, तो मतलब इसको दिए थे 20 होमवर्क, तो जो पीछे का 0 था उसको मतलब रेजर से उसको साफ करके आगे मन लिख दिया था कि मुझे 12 ही होमवर्क मिला है। इतना ज़्यादा चलाकी करता है ये, बहुत चलाक है। और बताइए अभी से इतना ज़्यादा चलाकी कर रहा है, हम लोग इतना चलाकी जानते ही नहीं थे, हम लोगों के ज़माने में ऐसा था ही नहीं। जितना भी होमवर्क दिए थे इसके पापा, इधर उधर करके पीछे का 0 हटा दिया, तो कहीं पीछे से कुछ अब पापा से अपने लगा है, नहीं किए हैं हम ऐसा, नहीं किए हैं, सफाई दे रहा है पढ़ने के नाम पर ना। अभी काम कह दो, काम आप कह देंगे तो काम दिन भर करेगा, झाड़ू पोछा कह दीजिए उसको खूब अच्छे से करेगा, कुछ भी काम कह दीजिए खूब अच्छे से मन लगा के करता है। बस पढ़ने के नाम पर सच में, जैसे अगर आधा घंटा बैठ गया तो सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सब चालू हो जाता है इसका, क्या करें, हम तो परेशान हैं फिलहाल। ऐसे हमारी तरह बहुत माँ बाप परेशान हो गए। तो प्लीज़ बहन, बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, बच्चे हैं ऐसा ही करते हैं, सब बाद में सही हो जाएंगे, अपने आप समझदार हो जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो फिर यही मारपीट कर लेते हैं, थोड़ा टेंशन हो जाता है ना कि चलो अब हम लोगों की देख रेख में मारपीट कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। कभी कभी हम लोग इधर उधर हो गई, नहीं रहते तो आपस में मारपीट कर लेते हैं, किसी को ज़्यादा लग गई किसी को कम। तो इसलिए बच्चों को समझा के रखना चाहिए कि मारपीट ना करें, मारपीट भी करें तो हमारे रहने पर ही करें,
ना रहें तो मना करें, क्योंकि पता नहीं किसको क्या लग जाए, कैसे क्या। बच्चे अभी सब हैं, सब तीनों चारों के बच्चे भी छोटे ही छोटे हैं। हमारा तो फिलहाल अब कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन समझदार बिल्कुल भी नहीं है। सबसे छोटा बनने की कोशिश करता है और सुन भी रहा है सारी बातें। कह रहा है मम्मी बाद में खबर लूँगा तुम्हारी। तो ऐसा ही है। और अब चल रहे हैं इस टाइम ना, हमारे हस्बैंड कह रहे हैं ज़्यादा कुछ मत बनाओ व्रत हो, तो हम सोच रहे हैं दोपहर में दाल बनाए थे तो कह रहे हैं रोटी बना दो और छाए रहेंगे रोटी नहीं दही, तो हम खा लेंगे। सब्जी मत बनाओ, परेशान मत हो। अपने लिए हम, हमारी जो पड़ोसन सिस्टर हैं पिंकी, हमारे लिए तो आलू आलू उबाल के उसमें सब मूँगफली मूँगफली डाल के बिचारी बना के रख दी हैं हमारे लिए, तो हम तो उसको खा लेंगे। फिलहाल हम व्रत में, पता नहीं क्यों हमें भूख भी नहीं लगती, बस हमें चाय मिलती रहे, मतलब हमारा खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो कैसी लगी हमारी, हम अपना घर का बात बताए हैं, अपनी जो रियलिटी है सारी सच्चाई अपने दोस्तों के सामने रख दिए हैं। तो जिसको जैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट में बता देना, अच्छा लगेगा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में भी बता देना जो भी गलती हो रही होगी मुझसे, कहाँ गलती हो रही है तो आप लोग बताते रहना, हम आप सबके हिसाब से वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो तो आप सबके हिसाब से बनाएंगे, आप ही सबको देखना है, अपने हिसाब से थोड़ी बनाना है वीडियो हमको। तो चलते हैं, अब आटा आटा गूँथ लेंगे, रोटी वोटी बना देंगे, फिर जो है बर्तन धुलेंगे। बर्तन ढेर सारा इकट्ठा हो गया, अभी चाय बनाए थे, चाय तो हम लोग पी लिए हैं। तो फिर है फिर दोस्तों नमस्कार करते हुए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।